एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम AW एक्सोटिका, बैक विद अनदर बैंगिंग वीडियो फॉर यू गाइस। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ब्लॉग सोचा मैं करूं। बहुत सारी जगहों में तो आपको लेके जाता हूं, बहुत सारे एरियाज में भी लेके जाता हूं, बट दिस टाइम आई वांटेड टू डू अ मोटो व्लॉग। और मोटो व्लॉग में आई ट्राई टू फाइंड विंटेज कार फॉर यू गाइस, जिसको मैं लेके आऊँ। तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये गाड़ी नहीं है, ये मेरी अपनी गाड़ी है, थोड़ा सा पीछे खड़ी है, तो उसके पास लेके चलता हूँ। हमजा भाई, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनके पास हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं उनकी व्हीकल। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमजा भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। ही इज बेसिकली द ओनर ऑफ दिस यू नो विंटेज नाइस पीस ऑफ अ कार, Volkswagen, if I'm not wrong. और बीटल भी कहा जाता है, फॉक्सी भी कहा जाता है, डड्डू भी कहा जाता है, डड्डू भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। तो हमजा, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताए ना, गाड़ी व्हाई अ Volkswagen, व्हाई डिड यू गो फॉर इट इंस्टेड ऑफ मॉडर्न व्हीकल्स? है तो ये लोहे का पहाड़ ऐसे ही तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा मुझे बताए, क्या सीन है? सो बेसिकली दिस इज Volkswagen बीटल, जर्मन में इसको बीटल भी कहते हैं, पाकिस्तान में आम जमाने हम इसको फॉक्सी कहते हैं। इट्स मोर रिनॉन्ड टू बी फॉक्सी ओवर हियर। दिस इज 1965 मॉडल और इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया हुआ है बिकॉज इट वाज मोर लाइक अ, मुझे नजर आ रहा है बड़े रिमशिम डाले। हाँ जी, ये रंग के और इसके फेंडर्स काफी चेंज किए हुए हैं। इसके फेंडर्स जो हैं वो Volkswagen वैगन थी जो पाकिस्तान में ऑब्सोलीट हो गई है, लेकिन बैक इन द 70s इट यूज्ड टू बी अ वेरी रिनॉन्ड फैमिली हैचबैक। तो फ्रंट के और इसके बैक के जो फेंडर्स है वो 74 वैगन के लगाए हुए हैं, Volkswagen वैगन। अच्छा, हाँ जी। तो कस्टमली इसका इट वाज सपोज टू हैव अ 15 साइज रिम, बिकॉज नाउ यू हैव मेंशन अबाउट द रिम, तो मैंने थोड़ा सा इसको एलिवेट करने के लिए आई हैव गिवन हिम अ 17 इंच रिम। हाँ, 17 इंच का, 17 इंच का एग्जैक्टली। यार मैसिव है। हाँ जी, सही तगड़ा साइज है। जी बिल्कुल। ओके, तो इंजन इसका ओरिजिनली इट वाज 1200 सीसी, लेकिन थोड़ा सा हॉर्स पावर बढ़ाने के लिए 1200 वाज मोर लाइक 36 हॉर्स पावर। तो इसका मैंने अपडेट कराया है इसको, ऑब्वियसली पहले ब्लॉग मुझे मिला था तो इंजन वाज नॉट इन अ रनिंग कंडीशन, दैट्स व्हाई आई हैड टू ओवरहॉल इट। तो अभी इसको 1600 में अपग्रेड किया है। अच्छा, नाउ इट गिव्स यू अराउंड 60-65 हॉर्स पावर। 60-65 हॉर्स पावर यार, जी मज़ेदार। बड़े बड़े टायर हैं और कमाल की टेल भी मुझे नजर आ रही है इसकी, कोई ये क्रोम की फिनिश टाइप का कोई हेड भी नजर आ रहा है। हाँ, ये भी लगता है दोबारा से नहीं, ये सारा इट वाज मेड इन अ बजट। 74 का जो क्लासिक है वो डिफरेंट होता है, 65 के थोड़े से कर्वी थे, लेकिन वो जो इसकी ओवरऑल लुक थी वो उसको थोड़ा सा इट वाज नॉट यू नो गिविंग इट अ गुड लुक, दैट्स व्हाई आई हैड टू गो फॉर समथिंग सिंपल। ओहो, हाँ जी, रियली नाइस, रियली नाइस। सो इट्स सपोज्ड टू गिव यू नो अ क्लासिक 70s मॉडल लुक, like you would see modern foxes jo pakistan mein logon ne restore ki nahi hai, they are not like a daily driver but they are more like agar aap kisi park wheels ke function pe leke jaye, you know wo wahan pe showroom vehicles hote hain, to isko since I have kept it more like a daily driver to iski wo jo 70s wali vibe hai na wo iska essential ek iska aspect hai, wo basic reason hai exactly jo aapne ye purchase kiya. Haan ji, haan ji, mera baki bachpan ka shauk tha iska. I was always aligned towards buying one. I don't know, iska Ali bhai, the funny thing about being a Volkswagen lover is that either you love this car or you hate this car, there's no in between. So jo in is vehicle ke bare mein passionate hain wo isko restore bhi karte hain aur you know they put a lot of money into it and a lot of time into it. To mera bhi bas passion tha, to bachpan se hi shauk tha isko banane ka, mauka nahi mila. To abhi finally जो है वो, हाँ, अबाउट गई है, बन भी exactly, गई है, बन भी गई है। हाँ, मेरे पास 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जी, very nice, very nice. तो हमजा ब्रदर, एक ड्राइव लेंगे हम इसकी। Sure, let's go. हमजा का मैं इंट्रोडक्शन कराता चलूं आप लोगों को। हमजा इज माय जिम पार्टनर भी है और हमजा का अपना DHA फेस 5 के अंदर जिम भी है बाय द नेम ऑफ गेन्स इन ग्लोरी। तो DHA के जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं प्लीज डू विजिट हिज जिम। सेक्टर ए कमर्शियल एरिया है, तकरीबन सेंट्रल कमर्शियल, जौहर बुलेवार्ड एरिया, जौहर बुलेवार्ड है फेस 5। तो इनका बहुत ही कमाल का जिम है भाई, मैं तो आपको पता है खुद जिम लवर हूँ और जिम गोअर हूँ, तो बॉय जो है उनकी अपनी बॉडी भी और फिटनेस में माशाल्लाह बहुत ज्यादा महारत जो है इनको हासिल है। थैंक यू, तो जरूर इनका जिम विजिट करें।
और इसके कुछ शॉट्स ऐड करते हैं, इंटीरियर आपको दिखाते हैं, एक ड्राइव लेते हैं और लेट्स चेक दिस व्हीकल आउट। तो जी होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्मॉल सिनेमैटिक व्लॉग। और हमजा भाई की गाड़ी आज हमने यूटिलाइज किया है, वॉक्सवैगन है, पिम्प्ड अप है, इंजन मजे का लगा हुआ है, मैं तो रिम्स देख के हैरान हो गया हूँ, जो पेंट जॉब इन्होंने की हुई है, बड़ी एफर्ट की हुई है गाड़ी के ऊपर। सच्ची बात है मैं नॉविस हूँ गाड़ियों के विंटेज होने के मामले में, ये हमजा भाई बेहतर बता सकते हैं कि गाड़ी का क्या सीन है और क्या नहीं है। तो मेरे भाई हमजा, इनके साथ आज हमने गाड़ी एक्सप्लोर की है इनकी और हमें बहुत ज्यादा मजा आया। होप आप लोगों ने भी व्यूज एंजॉय किए होंगे, बहुत सारे ड्रोन फुटेज ऐड किया है मैंने, बीरोल ऐड किया है। तो हमजा भाई यानी लास्ट कमेंट्स कि आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? इट्स अ वेरी आई थिंक इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अ यूट्यूब ब्लॉगर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। बट इन टर्म्स ऑफ विंटेज यस द फुलफिलमेंट इट्स अ रियल, आई मीन आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि नई गाड़ी तो आप पैसे फेंक के कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक पुरानी गाड़ी को रिवाइव करना, पुरानी गाड़ी को उठाना है, वहाँ पता लगता है बंदे का, ऐसे वहाँ पता लगता है ऐसे ही, वो आपकी कमिटमेंट की बात है सारी की सारी। अपार्ट फ्रॉम दैट शौक की बात है और इट्स वेरी फुलफिलिंग। या नई गाड़ी में वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती है जो इसमें मिलती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी चले हमजा भाई इंशाल्लाह, और आपकी गाड़ी को हम छेड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको मरी लेके जाएं अच्छे पहाड़ों के अंदर व्यूज के साथ दौड़ती है। So inshallah, see you in another video really, really soon. This is Ali from AWP Exotica and Hamza signing off for now. Take care. Bye-bye.